घर प्रदर्शन किया जा रहा है जो कि पुराली को लेकर और जो दिल्ली के अंदर पुराली है और जो केजरीवाल इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, चार तरह से धुआ रहे हैं। आज जो दम घुट रहा है दिल्ली के अंदर उसी को लेकर आज कांग्रेस पार्टी की ओर से सुभाष चोपड़ा के नेतृत्व में आज एक प्रदर्शन किया जा रहा है। उसमें सभी कांग्रेसी और समाज सेवी सभी इसमें यहाँ पर आए हुए हैं और सभी जो है सभी यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे रियाज भाई भी मौजूद हैं यहाँ पर जो बाबर विधानसभा पार्टी जिंदाबाद केजरीवाल हाय हाय और जो है उसी के लिए आज मेहनत की जा रही है। दिल्ली के अंदर हमारा दम घुट रहा है और जनता बेहाल है। मैं केजरीवाल से कहना चाहूँगा इसका जल्दी जल्दी इसका समाधान करें जो एक प्रदूषण दिल्ली के अंदर है। बसें फ्री में जो लेडीज फ्री कर दी तो मुझे लगता है कि दिल्ली के अंदर भी धुआं फ्री कर दिया उसने। दिल्ली के अंदर जो आज धुआं फ्री कर दिया तो वो आज 5 साल पहले कभी धुआं नहीं आया करता जब कांग्रेस की सरकार थी। जब से आम पार्टी की दिल्ली के अंदर सरकार आई है लगातार और कभी रोक लगाती थी और धुआं नहीं आता था, लेकिन आज जब से आम पार्टी दिल्ली के अंदर सरकार आई है न तो कोई काम हुआ है और जितने विकास थे वो सारे विकास रुक गए। दिल्ली के अंदर कोई विकास नहीं हुआ। आज केजरीवाल जो बात दावा करते हैं कहते मैंने बहुत काम किया दिल्ली के अंदर, पुताई करा दी या स्कूलों में पुताई करा दी और कह रहे कि मैं फ्री कर रहा हूँ। पढ़ाई तो पहले भी कांग्रेस के दौर में फ्री थी, ऐसा कुछ नहीं है। आज केजरीवाल राजनाथ सिंह के लिए होर्डिंग पोस्टर लगाए थे, मैं काम कर रहा हूँ और जो लाखों करोड़ों एडवर्टाइजिंग के अंदर इन्हें कोई कहने वाला नहीं है, पब्लिक का इन्होंने नाश कर दिया। और जो 5 स्कूल बात हुई थी एक भी स्कूल दिल्ली के अंदर नहीं बनाया और न ही कोई कैंसर का कोई हॉस्पिटल बनाया, आईसीयू का कोई बेड एक भी नहीं बनाया जो जनता हमारी परेशान रहती है, और न ही कोई हॉस्पिटल बनाऊंगा और न ही कोई इन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए दिल्ली के अंदर। सिर्फ एक पुताई करवा के कहते दिल्ली के अंदर मैंने बहुत काम। से कहना चाहूंगा कि ये हमारी भूल थी जो हम केजरीवाल को लेकर आए थे, लेकिन आज दोबारा फिर दिल्ली के अंदर कांग्रेस के मूड में मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि सभी साथी कांग्रेस का साथ दें और अपने जो आज हमारा विकास रुका हुआ दिल्ली के अंदर वो विकास को लेकर आए और जो हमारे जो कारोबार हमने वो बीजेपी यही कराते हमने सीलिंग लगवा दी और नहीं उस पर कोई काम करते।